नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हमारे YouTube चैनल पिक्सल झारखंड में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कमाल का पिक्सल आईडी का प्रोजेक्ट लाया हूँ, जिसमें आप यह प्रोजेक्ट को आप अपने घर पे या किसी भी मतलब आप अपने घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है या किस टाइप का दिखता है। दोस्तों ये जो हमारा प्रोजेक्ट है स्वास्तिक है, जो कि फुली 3D डिजाइन पे है। तो चलिए दोस्तों पहले आप हमारा प्रोजेक्ट को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे वायरिंग कनेक्शन कैसे करना, क्या चाहिए वो सारा चीज बताता हूँ डिटेल में। दोस्तों जो आप वीडियो पे ये जो डिजाइन देखे, इसको बनाने के लिए आपको पॉलीशीट का जरूरत पड़ेगा, पिक्सल का जरूरत पड़ेगा, कंट्रोलर का जरूरत पड़ेगा, SMPS का जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बारी बारी से बताता हूँ कि इसमें कौन सा पिक्सल मैं यूज किया, आप कौन सा यूज कर सकते हो, या पॉलीशीट आपको या क्या साइज है वो डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों जो ये हमारा जो ये स्वास्तिक का जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पॉलीशीट हमारा 4x4 का है। अगर आपको इसका साइज 3x3 चाहिए, 2x2 चाहिए, या कस्टमाइज साइज भी कोई भी इस टाइप का बोर्ड का कस्टमाइज डिजाइन भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। दोस्तों इसको इसका जो आप देख रहे हैं पॉलीशीट, हमारे पास आपका इसका पूरा रॉ मटेरियल मिल जाएगा, पॉलीशीट मिल जाएगा, पिक्सल मिल जाएगा, SMPS मिलेगा, कंट्रोलर मिलेगा, और आपको पूरा इसका डिटेल चीज भी डायग्राम वगैरह सारा मैं बता दूंगा, और आपको ऐसे भी वीडियो पर दिखा दूंगा और आपको भेज भी दूंगा। तो दोस्तों ये जो हमारा जो पॉलीशीट है ये 4x4 का है, और इसमें मैं कॉपर वायर का पिक्सल यूज किया हूँ, और ये हमारा मैं SMPS और N4P यूज किया हूँ, और कंट्रोलर मैं आपको दिखाता हूँ कि यह किस में है, और इसका वायरिंग मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो आप पॉलीशीट देख रहे हैं ये हमारा सनराइज कंपनी का यह बेस्ट क्वालिटी का पॉलीशीट है, जो कि यह जो मेरा साइज है 4x4 का है। दोस्तों ये शीट का खासियत मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरा वाटरप्रूफ है, मतलब अगर आपका सीट बारिश में भी भींग जाए तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और ये नॉन ट्रेबल है, मतलब ये टूटेगा भी नहीं जल्दी, और आपको यह जो ओम है वो कस्टमाइज साइज पे मिलेगा। दोस्तों इसमें जो मैं पिक्सल लगाया हूँ वो हमारा कॉपर वायर है, आप इसमें जेल वायर भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें 28/11 का IC यूज किया हूँ। टोटल हमारा जो ये स्वास्तिक जो देख रहे हैं इसमें टोटल आपको 286 बल्ब पिक्सल LED का यूज किया हुआ। दोस्तों जो हमारा इसमें कंट्रोलर लगा है वो 28/11/19/03 और सारे में IC लगभग 28/11/16/0 सब में चल जाएगा। दोस्तों मैं आप इसके अकॉर्डिंग रन प्रूफ भी SMPS यूज कर सकते हैं, और SMPS रन प्रूफ या 5V 60A या 20A भी काफ़ी है। अगर आप SMPS भी चाहते होंगे खरीदना तो आप हमसे खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको इसका वायरिंग दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका पूरा डिजाइन का वीडियो भी दिखाऊंगा। दोस्तों ये हमारा यूज किया हुआ IC 28/11/19/03 में चलेगा, अगर आपके पास जो भी है आप इसमें आराम से लगा के चल सकते हैं। ये हमारा सर्किट है। दोस्तों हमारा ये जो पिक्सल का कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ, दोस्तों यहाँ से ये पिक्सल स्टार्ट हुआ है, ऐसे करते हुए टोटल पूरा S वायरिंग है, और पूरा ये 8x24 का एक लाइन में आपका 8 बल्ब का 24 लाइन है। उसके बाद हमारा जब पिक्सल इंड होता है तो उसके बाद इंड होता है तो इसके बगल पर ही ये इंड खत्म होता है, तो उसके बाद आपको ऐसे जाना है, ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे करते हुए ये हमारा पिक्सल आपके जाके फिर यह एंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका डायग्राम मैं आपको वीडियो पे साइड में शो कर दे रहा हूँ, और इसका डायग्राम का लिंक भी डाल दे रहा हूँ, जिससे आप देख के अपने घर पे इजीली बना सकते हैं, और ये पॉलीशीट या कंट्रोलर जो भी चाहिए होगा आप हमसे पर्सनल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को पिक्सल एडिट के रिलेटेड जानकारी उनको मिल सके।